पाप के कारण धृतराष्ट्र अंधे जन्मे थे। धृतराष्ट्र ने ही मरवाया था गांधारी के पूरे परिवार को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल एपी सनातन हिंदू में। मित्रों, आज फिर से एक नए और रोचक कहानी को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। प्यारे दोस्तों, आप लोगों से सविनय अनुरोध करती हूँ कि कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ज़्यादा बातें न बनाते हुए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने ऐसा कौन सा पाप अगले जन्म में किए थे जिससे वो अंधे पैदा हुए और उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। महाभारत काल की ये बातें हैं। धृतराष्ट्र अगले जन्म में एक क्रूर और निर्दय राजा थे। अपने प्रजा को उतना ध्यान नहीं देते थे। उसे किसी भी पशु पंछी या किसी भी की खुशी सहन नहीं कर पाते थे। वो जलस महसूस करते थे। एक दिन वो अपने सेनाओं के साथ में अपने तालाब की ओर भ्रमण करने के लिए निकले थे तो उसे एक हंस के परिवार उस तालाब में बड़े खुशी से झूमते दिखाई दिए। हंस अपने बच्चों से प्रेम कर रही थी और बच्चे अपने माँ से के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे। ये दृश्य क्रूर राजा धृतराष्ट्र को देखा नहीं गया। अतः उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दिया कि उस हंस के आँखें फोड़ दो। इस प्रकार उसके सैनिक ने हंस की आँखें फोड़ दिया, जिस दर्द के चलते हंस अपने बच्चों के साथ में मर गई। और मरते मरते उन्होंने ये श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं अंधी होकर अपने परिवार के साथ में मर रही हूँ, उसी प्रकार से तुम अंधे जन्म लोगे और तुम्हारे अंधे के कारण तुम्हारा परिवार भी इसी तरह से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, यही कारण था कि धृतराष्ट्र अंधे जन्म लिए और उनके अंधे जन्म के कारण ही उनका सारा परिवार महाभारत युद्ध में मारे गए। दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि इस विषय में अनेकों प्रकार की कथाएं आती हैं। एक कथा मैंने पहले ही वीडियो में बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जा कर के उस वीडियो को भी देखिएगा। और दूसरा कथा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गांधारी का जब धृतराष्ट्र से विवाह हुआ, उसके पहले ही उसका एक विवाह हुआ था एक बकरे से, और उस बकरे से विवाह करके उस बकरे को बलि दे दिया गया था। गांधारी के पति धृतराष्ट्र को इस विषय में कुछ पता नहीं था। बाद में जब उनको पता चला कि तो उनके पूरे परिवार को धृतराष्ट्र ने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और इस प्रकार से उन्हें तरपा तरपा कर मार दिया। दोस्तों, अंत में शकुनी जेल में ही जन्म लिए और उनके माता ने बहुत ही अनुरोध किए धृतराष्ट्र से कि शकुनी को छोड़ दीजिए। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने शकुनी को छोड़ दिया। शकुनी को उसकी माँ ने पाली पोसी जेल में ही और उसको कौरव के प्रति भड़काने में खूब सहायता की और उसको कौरव के विनाश के लिए उसकी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि शकुनी ने अपने रीढ़ की हड्डी को पासा बनाया और उसी से खेलना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार शकुनी का सारा परिवार दम तोड़ दिए उस कारागार में और शकुनी अकेला ही बच गया। शकुनी सभी के नज़रों में अच्छे बनने लगा और सभी का विश्वास जीत करके कौरव पांडव में भड़काने लगा। कौरवों को पांडव से झगड़ा लगा करके बहलाने फुसलाने लगा और अंत में कौरवों को इतना भड़काया कि शकुनी के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में सारे कौरवों का विनाश हुआ। इस प्रकार से शकुनी ने अपने पूरे परिवार का बदला कौरवों के मृत्यु के साथ में लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही लेट कहानी का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहे।
तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।